Hello everyone, Jai Hind, my name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel Target with Alok. TGT PGT को लेकर के English में मैंने आप लोगों से noun discuss किया था और noun के kinds discuss किया था इससे पहले वाले lecture में. बहुत depth में बहुत thorough study मैंने करवाया था noun के kinds की, जिसमें मैंने आप लोगों को countable, uncountable के बारे में बताया था, ठीक है. तो अब जब हम बात करते हैं noun में आगे, तो हमें एक topic मिलता है जिसे हम कहते हैं noun numbers. क्या कहते हैं? Noun numbers. तो ये number की अगर हम बात करें, तो numbers में बात करने के लिए सबसे पहले हमें uncountable noun को समझ लेना चाहिए. Uncountable noun को क्यों समझ लेना चाहिए? क्योंकि जब हम uncountable की बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि uncountable noun हमेशा as a singular use होते हैं, इन्हें हम plural में use नहीं करते. और इनके बारे में एक खास बात और समझ लीजिए कि हमें ये तो पता है कि हम इन्हें सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, पर इनको अगर हम कॉमन नाउन की तरह यूज करें तो इनका प्लूरल भी बनाया जा सकता है, ठीक है. कैसे? ध्यान दीजिए, समझिए. देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अनकाउंटेबल को सिंगुलर की तरह यूज करते हैं. जैसे हमने कहा वुड, तो हम वुड्स नहीं कहते. हमने कहा, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया फ्रूट, तो हम फ्रूट्स नहीं कहते जनरली. अगर कहते हैं तो हम रॉन्ग कह रहे हैं, ठीक है. या हमने इसी तरह से कह दिया, मान लीजिए क्या कह दिया, गैस. नहीं, गैस तो होता है, गैसेस. मैंने कह दिया गोल्ड, ठीक है. तो हम इन्हें प्लूरल की तरह यूज नहीं कर सकते. हमने कोई सेंटेंस लिया मान लीजिए, तो हम कहेंगे कि वुड, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, तो हम किस तरह से कहेंगे? हम कहेंगे वुड इज यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर. फर्नीचर का, फर्नीचर को बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल होता है. यह सेंटेंस मैंने लिखा, ठीक. तो अब अगर मैंने इस सेंटेंस में लिख दिया होता वुड इज की जगह वुड्स आर, तो क्या यह सेंटेंस सही हो सकता था? कभी भी नहीं. हम वुड्स आर यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर कभी नहीं कह सकते. कहेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमें पता है वुड एक मटेरियल नाउन है, इसको प्लूरल में यूज नहीं किया जा सकता, इसे सिंगुलर में ही यूज करेंगे. लेकिन अगर मैं इसे कॉमन नाउन की तरह यूज करूं, जैसे मान लीजिए मैं वुड की वराइटी पहले लिखूं और फिर मैं बताऊं कि यह सब लकड़ियां हैं. जैसे किसी किसी अंग्रेज से बात हो रही है, उसने हमारे वहां की लकड़ियों के नाम नहीं सुन रखा, उसे पता नहीं, उसने आकर पूछा व्हाट आर शीशम आम, व्हाट आर शीशम एंड पीपल, ठीक है. उसने मान लीजिए नहीं सुन रखा, तो मैंने उसको बताया कि ये लकड़ियों के प्रकार है या पेड़ों के प्रकार है. पेड़ों को छोड़ दिए, वो लकड़ियों की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे कि शीशम एंड पीपल आर वुड्स. क्या कहेंगे? शीशम एंड पीपल आर वुड्स. अब मैंने यहां जो वुड्स लिखा, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमने उसके दो प्रकार बताए और वुड को एज अ कॉमन नेम लिया उन दोनों के लिए, राइट. तो यहां पर हम प्लूरल में यूज कर सकते हैं. इसी तरह से फ्रूट की भी बात है, तो जनरली हम क्या कहेंगे, मान लीजिए हमें एक कॉमन सा सेंटेंस लिखना है, तो मैंने कहा, मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि एग्जाम्पल साफ समझ में आए. मैंने कहा आई बॉट, मैंने खरीदा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. तो मैं क्या लिखूंगा? मैंने फल सब्जियां खरीदी, ठीक है. तो वेजिटेबल्स को प्लूरल में लिख दिया, लेकिन फ्रूट को नहीं लिखेंगे. अगर फ्रूट को लिखा प्लूरल में तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक. क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है, जनरली हम प्लूरल में नहीं लिखते हैं. पर अगर मैं फ्रूट की वैरायटी बता रहा हूं, जैसे मैंने लिखा कि बनाना, मैंगो एंड पपाया आर फ्रूट्स, ठीक. तब मैंने यहां पर, क्योंकि मैं वैरायटी बता रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? आर फ्रूट्स, ठीक. तब मैं इसे एज अ कॉमन नाउन लूंगा और इसका प्लूरल मैं बना सकता हूं.
तो ये सभी जगह होता है, इसको समझ जाइए। अब जैसे गोल्ड की बात किया तो गोल्ड तो एक तो मेटल हो गया, और इसकी हम वैरायटी भी ज्यादा जानते नहीं है या होती भी नहीं होगी, गोल्ड तो गोल्ड ही है, ठीक है। पर मान लीजिए अगर मैंने गोल्ड एज अ मेटल ना यूज करके गोल्ड को एज अ मेडल यूज किया, तो हमें पता है जैसे ओलंपिक्स होते हैं या और भी गेम्स होते हैं, तो उसमें गोल्ड मेडल को शॉर्ट फॉर्म में गोल्ड कह दिया जाता है ना। तो अगर इसको गोल्ड की तरह यूज किया तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, मेडल की तरह अगर बोला तो मैंने कह दिया इंडिया वन मैनी गोल्ड्स, तो मैनी गोल्ड्स जो मैंने बोला है तो मेरा सेंस क्या है, मैनी गोल्ड मेडल्स, कॉमन नाउन की तरह मैं इसे ले रहा हूं, पर मैं बोल क्या रहा हूं मैनी गोल्ड्स। अगर मेरा सेंस सोना होता तो मैं गोल्ड्स नहीं बोल सकता था और मैनी भी नहीं लगा सकता था, पर मेरा सेंस है सोने का तमगा, सोने का मेडल, तो मैं कहूंगा गोल्ड्स, राइट। तो ऐसे होता है। तो आई होप ये बात क्लियर है, तो माइंड में सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, हैंडमेड नोट्स बनाने काम आएगा कि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनके एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, और वो एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं कि जब इन्हें कॉमन की तरह यूज किया जाए, ठीक है। तो कॉमन की तरह यूज किया जाएगा तो इनका प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक। तो ये भी अच्छे से समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए बहुत प्रॉब्लम होती है जब हमें अनकाउंटेबल नाउंस नहीं पता होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे अनकाउंटेबल नाउंस हैं जो कंफ्यूजिंग भी होंगे, तो हमें उनको देख लेना चाहिए। मैंने ये लिस्ट पहले से बना रखी ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से समझ जाएं, तो लिख लिख कर भी मैं बता सकता हूं पर बहुत टाइम जाएगा लिखने में, इसलिए ये लिस्ट पहले से आपके सामने है। ओके, तो देखिए क्या लिस्ट है। लिस्ट कहती है कि मोस्ट अनकाउंटेबल नाउंस रिलेट टू, ज्यादातर अधिकतर अनकाउंटेबल नाउंस इनसे रिलेट करते हैं। जैसे जितने भी लिक्विड्स होंगे, जितने भी लिक्विड्स होंगे आप उन सब को क्या कहेंगे, उन सब को आप अनकाउंटेबल मानेंगे। उसमें एग्जाम्पल में मिल्क वाटर है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऑयल है ना, जूस है, जितने भी लिक्विड हैं सब अनकाउंटेबल में आएंगे। फिर जितने भी अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, मैंने अब्स्ट्रैक्ट नाउंस पढ़ाए थे और मैंने बताया था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउंस में ज्यादातर अधिकतर ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो काउंटेबल हैं। तो अधिकतर क्योंकि अनकाउंटेबल हैं इसलिए आपको समझना चाहिए। उसमें जैसे एडवाइस हो गया, तो एडवाइस का कोई फिजिकल अपीयरेंस तो होता नहीं है, तो वो हमारे माइंड में ही है। तो जो भी चीज सिर्फ माइंड में हो, जो भी चीजें सिर्फ समझी या महसूस की जाए, वो सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, है ना। तो एडवाइस भी वैसी ही एक चीज है, सलाह तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल में आती है। अच्छा, एडवाइस में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो एक से ज्यादा सलाह भी ले सकते हैं, दे सकते हैं, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि ग्रामर के रूल्स पर ज्यादा काम करते हैं, लॉजिक्स पर कम काम करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो एडवाइस एक ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है जो अक्सर कंफ्यूज करता है, लोग एडवाइसेस बोल देते हैं। एडवाइसेस भी एक वर्ड है, आपको यहां पर मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये एडवाइस तो होता है सलाह, ठीक है, और एक हमारे पास वर्ड है एडवाइसेस जो प्लूरल में होता है हमेशा, और जिसका सेंस होता है सूचनाएं। क्या सेंस होता है? सूचनाएं। तो आपके पास यह भी नॉलेज होनी चाहिए कि एक एस लगने से वर्ड का पूरा पूरा सेंस ही बदल गया यहां पर। तो इसका प्लूरल होता ही नहीं है सलाह का, इसलिए आपको ये प्लूरल में मिलेगा नहीं, और अगर इसमें एस लगा दिया तो ये वर्ड ही अलग है, देखने में भले ही एक जैसा है पर इसका पूरा का सेंस ही अलग है, इसका सेंस सूचनाएं हो जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से एक वर्ड यहां पर दिया है कैओस, अराजकता जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मोटिवेशन, किसी को मोटिवेट कर देना, मोटिवेशन। तो ये सब अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और अधिकतर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज अनकाउंटेबल होते हैं। फिर जितने भी पाउडर की बात करेंगे आप, या ग्रेन बोलते हैं, जैसे अनाज हो गया, उनकी बात करेंगे तो उन्हें हम अनकाउंटेबल रखते हैं। ग्रेन मतलब दाने टाइप की चीजें जो होती है। तो अब जैसे राइस है, ग्रेन में आ गया, वीट है, ग्रेन में आ गया, सैंड है, सैंड के भी ग्रेन बहुत छोटे होते हैं, या पाउडर में कोई भी ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, फ्लोर ले लीजिए, आटा जिसे हम कहते हैं, है ना। तो जितने भी इस तरह की चीजें हैं वो सब अनकाउंटेबल में आएंगी। फिर इसी तरह से मास नाउन क्या होता है, देखिए दो तरह के होते हैं,
मैं जब कलेक्टिव नाउन पढ़ाता हूँ तो मैं मैथ नाउन भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने इस बार इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि कई बार लोग हजम नहीं कर पाते, तो यहां लाकर मैं उस चीज को बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए कलेक्टिव नाउन भी दो तरह के होते हैं। एक तो कलेक्टिव मैंने जो पढ़ाया वो काउंटेबल होता है, वो तो आप पढ़ चुके हैं। एक होता है कलेक्टिव में मैथ नाउन, मैथ नाउन उसे कहते हैं जो कई चीज वो होता, वो भी कलेक्टिव है लेकिन उसका दूसरा रूप होता है, उसमें भी कई चीजें कलेक्ट होकर के कोई एक नाम से जानी जाती है, पर उसे हमेशा अनकाउंटेबल रखा जाता है, उसे काउंटेबल नहीं रखा जाता। जैसे फर्नीचर है तो इसमें भी आप चेयर टेबल इन सारी चीजों का कलेक्शन पाएंगे, पर जब हम फर्नीचर बोल देंगे तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसलिए से हम मैथ नाउन के नाम से जानेंगे। इसी तरह से हेयर है, इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है। तो जैसे फर्नीचर है, लोग कई बार फर्नीचर्स यूज कर लेते हैं, बट दैट इज 100% रॉन्ग। ट्रांसपोर्टेशन 100% रॉन्ग। हेयर्स होता है कहीं कहीं पर यूज, वो मैं बाद में बताऊंगा कहां होता है। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि अगर सर के सभी बालों की बात हो रही है तो हम उसे अनकाउंटेबल ही मानेंगे। ठीक, नेचुरल फिनोमेना, फिनोमेना मतलब जो घटनाएं होती हैं हमारे आसपास की, जैसे सनशाइन है तो अनकाउंटेबल माना जाएगा, स्नो है, स्नोफॉल जो होता है वो अलग, स्नो आप स्नोज नहीं कह सकते, आप रेन्स नहीं कहते, आप वेदर्स नहीं कहते, तो ये सब अनकाउंटेबल में आता है। इसी तरह से स्टेट ऑफ बीइंग, यानी आप कुछ जैसे आपका होना जो बताते हैं, ऐसे वर्ड्स जैसे स्लीप है, स्ट्रेस है, चाइल्डहुड है, देखा जाए तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है लेकिन फिर भी अलग से बता दिया गया। फीलिंग्स भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आती है, एंगर, हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म, करेज, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, है ना। फिर गैस की अगर बात किया जाए तो जितनी भी गैसेस हैं सब अनकाउंटेबल होती हैं, ऑक्सीजन है, एयर है या कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी भी गैसेस हैं सब अनकाउंटेबल है। ठीक, फिर कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स आपको ग्रामर के साथ यहां पर समझ लेना चाहिए क्योंकि आगे आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, जैसे कि यहां लिखा है हाउ मच, ठीक, तो हाउ मच के बाद आप जहां पर जो भी लिखेंगे वो अनकाउंटेबल नाउन्स ही लिखेंगे। ठीक है ना, हाउ मच के बाद आप काउंटेबल नाउन नहीं लिख सकते, अनकाउंटेबल ही लिखेंगे, और हाउ मेनी के बाद आप हमेशा काउंटेबल नाउन लिखेंगे, आप अनकाउंटेबल नहीं लिख सकते। ठीक है ना, तो बात अच्छे से बात समझ लीजिए। जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल हाउ मच वॉटर, या आपने कह दिया हाउ मच वॉटर, या आपने कह दिया हाउ मच राइस, या आपने कह दिया हाउ मच मनी, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, या आपने कह दिया हाउ मच फूड, फूड भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो हाउ मच के बाद आप अनकाउंटेबल नाउन्स जोड़ते हैं, हाउ मेनी के बाद आप ये सब नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अगर आपने हाउ मेनी के बाद ये सब जोड़ा तो 100% रॉन्ग होगा। हाउ मेनी के बाद आप काउंटेबल नाउन जोड़ सकते हैं और वो भी आप प्लूरल में जोड़ते हैं जनरली। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी बुक्स, है ना, ये सब आप लिख सकते हैं यहां पर। ठीक, तो ये ग्रामर पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा, आगे आप इन्हें डेप्थ में भी पढ़ेंगे, पर ये यहां इसलिए बता दिया जा रहा है क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज है, बहुत जल्दी जल्दी इनका यूज होता है इसलिए। अब देखिए इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है दीज के बाद आप सिर्फ काउंटेबल प्लूरल नाउन ही यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है कि अनकाउंटेबल का तो प्लूरल बनता नहीं, तो दीज के बाद आप सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन ही यूज कर सकते हैं, जबकि दिस के बाद आप अनकाउंटेबल यूज कर सकते हैं या फिर सिंगुलर काउंटेबल यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपने कह दिया कि दिस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लीजिए कि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, आप इंफॉर्मेशन नहीं कहते, तो आप कह सकते हैं दिस इंफॉर्मेशन, दिस एडवाइस, एडवाइस अभी हमने पढ़ा अनकाउंटेबल है, राइट, या फिर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं जैसे दिस बुक। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। इसी तरह से आप मैनी के बाद काउंटेबल नाउन का ही यूज करते हैं, जबकि अलॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैनी के बाद आप काउंटेबल प्लूरल ही यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे मैनी मैन एंड विमेन, जैसे कह दिया, ठीक है, मैनी मैन एंड विमेन, या आपने कह दिया मैनी कार्स, ठीक,
जबकि अलॉट के बाद, अलॉट ऑफ के बाद आप दोनों यूज कर सकते हैं, चाहे वो अलॉट ऑफ हो या चाहे लॉट्स ऑफ हो। ये भी मैं बता दूं, यहां पर देखिए अलॉट ऑफ लिखा हुआ है, मैं लॉट्स ऑफ भी लिख रहा हूं। तो अलॉट ऑफ चाहे हो चाहे लॉट्स ऑफ हो, दोनों ही के बाद आप अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों यूज कर सकते हैं, जबकि मैनी के बाद आप अनकाउंटेबल कभी नहीं यूज कर सकते। तो यहां पर आप कह सकते हैं अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ वॉटर, अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ वुड, ठीक, वुड। और काउंटेबल यूज कर सकते हैं, काउंटेबल यूज करेंगे तो प्लूरल में यूज करेंगे, ठीक। जैसे आपने कह दिया अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ वर्ड्स, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट, एटसेट्रा, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर है। फिर इसी तरह से मैनी है तो नॉट मैनी भी वैसे ही होगा, काउंटेबल के ही साथ यूज होगा, और जैसे मच अनकाउंटेबल के साथ हो रहा है तो नॉट मच भी अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, ठीक है। वी यूज मच विद नेगेटिव अनकाउंटेबल नाउंस, यूजुअली नॉट मच का यूज नेगेटिव अनकाउंटेबल के साथ होता है। ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ग्रामर पॉइंट यहां पर आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस एन अमाउंट ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन यू मस्ट यूज अदर वर्ड्स, सी इंफॉर्मेशन। अब देखिए बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे हैं कि अगर आप उन्हें काउंटेबल की तरह एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ और वर्ड्स उनके साथ जोड़ना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने इंफॉर्मेशन की बात किया तो हमें पता है कि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, एक मिनट, अनकाउंटेबल है, राइट। आप इसके साथ सम लगा सकते हैं। अब अगर आप इसे काउंटेबल करना चाहेंगे तो आपको अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलना पड़ेगा, तब ये फ्रेज काउंटेबल में आ जाएगा, ठीक, उसका अमाउंट आपका एक्सप्रेस हो जाएगा। इसी तरह से क्लोदिंग है, क्लोदिंग अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अगर आप इसे काउंटेबल की तरह यूज करना चाहते हैं तो आपको कहना होगा वन आइटम ऑफ क्लोदिंग या टू आइटम्स ऑफ, तो आइटम ऑफ करके आप इसे काउंटेबल में कर सकते हैं। इसी तरह से इक्विपमेंट है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अनकाउंटेबल है, इसे आप अगर करना चाहते हैं तो आपको पीस ऑफ लगाना पड़ेगा, आप पीस ऑफ या टू पीसेस ऑफ इक्विपमेंट ऐसे करना पड़ेगा। यहां भी टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जा सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन कभी नहीं कह सकते आप, इक्विपमेंट्स नहीं कह सकते आप, क्लोदिंग्स नहीं कह सकते आप, ठीक है। इसी तरह से सम वॉटर है तो आप वॉटर, अ कप ऑफ वॉटर या टू ग्लासेस ऑफ वॉटर ऐसे कह सकते हैं, पर वॉटर्स नहीं कहते आप पानी के लिए, ठीक। अनकाउंटेबल नाउन की एक लिस्ट यहां पर तैयार है। आई पुट द मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन बोल्ड, सम वर्ड्स आर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, आई पुट अ नोट नेक्स्ट टू दोज वर्ड्स, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए कि यहां पर मैंने क्या किया हुआ है कि जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स है उनको बोल्ड में लिखा हुआ है, और जो थोड़ा सा कम मतलब यूजुअल है उनको बोल्ड में नहीं लिखा हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों रूप में यूज होते हैं तो उनको, उनके आगे नोट अलग से डाल रखी है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बहुत ध्यान से समझना है आपको। तो ए टू एफ में यहां पर है अनकाउंटेबल नाउन में, जैसे अकोमोडेशन, तो हो सकता है कोई यहां पर टाइपिंग के बाद इन्होंने बोल्ड में नहीं किया होगा, मैं देख लेता हूं किया है नहीं किया है, नहीं किया है टाइपिंग के बाद में नहीं किया है, पर जो है मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक। हाँ, तो जैसे वर्ड है आपका, क्या वर्ड है, अकोमोडेशन, तो अकोमोडेशन मतलब होता है रहने की व्यवस्था, तो अक्सर ये पूछा जाता है, तो अकोमोडेशन नाम का वर्ड नहीं होता, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों ही अनकाउंटेबल हैं। ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्रेड के बारे में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ब्रेड अनकाउंटेबल होता है, आप ब्रेड्स नहीं कहते। आप अगर काउंटेबल लिखना है आपको तो आप क्या लिख सकते हैं वो भी मैं बता देता हूं, आप लिख सकते हैं अ पीस, गिव मी अ मोमेंट, आप लिख सकते हैं अ पीस और लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, तो आप पीस या लोफ ऑफ ब्रेड कह सकते हैं, या टू पीसेस या टू लोव्स, एल ओ ए बी ई एस, लोव्स ऑफ ब्रेड कह सकते हैं, पर ब्रेड्स नहीं कहते हैं।
ठीक है। इसी तरह से वर्ड है आपका बिजनेस, अनकाउंटेबल है। बटर तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, अनकाउंटेबल है, ठीक है। एयर अनकाउंटेबल है, एट है, काम है। एडवाइस को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अकोमोडेशन जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रेड इंपॉर्टेंट है, वैसे एडवाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। कैश इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंगर हमें पता ही है इसको, मतलब ये तो अंडरस्टूड है, एंगर अनकाउंटेबल। केओस अराजकता अनकाउंटेबल है। आर्ट चीज, चीज में देखिए बोथ होता है, चीज काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि बहुत सारे चीज बार ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट करते हैं, तो उनके लिए जब हम यूज करेंगे तो हम चीजेस भी कह सकते हैं। चाइल्डहुड भी बोथ होता है, जनरली इसे मेनली अनकाउंटेबल ही यूज किया जाता है, पर कहां काउंटेबल में यूज होता है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक। फिर एंगर, आर्ट, असिस्टेंट, ये तो हमें पता ही है। क्लोदिंग अभी हमने देखा ही है, क्लोदिंग अनकाउंटेबल है। कॉफी, कॉफी बोथ कैसे होता है इसको समझ लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने क्लोदिंग तो बताया, कॉफी बोथ ऐसे होता है कि जब हम कॉफी मटेरियल की बात करते हैं तो हम उसे अनकाउंटेबल ही मानते हैं, या कॉफी जो बनकर तैयार हुई तो हम उसे अनकाउंटेबल ही मानते हैं। लेकिन कई बार हम जनरल सेंस में ऐसे कह देते हैं ना कि आज मैंने 5 कॉफी पिया, तो उस सेंस में हम इन्हें काउंटेबल भी ले सकते हैं, आई हैड 5 कॉफीज, तो चलता है वो भी, ठीक है, एक्सेप्टेड एक्सप्रेशन है। फिर डेटा, डेटा आपका एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल में भी है और काउंटेबल में है। वैसे तो डेटम का प्लूरल होता है डेटा, हमारे पास सिंगुलर में वर्ड होता है डेटम, क्या होता है, डी ए टी यू एम, डेटम। आई थिंक ये कलर दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं दूसरा कलर लेता हूं। ओके, तो जैसे मैंने लिखा, डेटम लिखा मैंने सिंगुलर में, तो सिंगुलर में होता है डेटम और जिसका प्लूरल होता है डेटा, ठीक है। तो एक तो ये भी होता है ग्रामर, और एक ग्रामर ये भी होती है कि डेटा को अनकाउंटेबल भी माना जाता है, ठीक। डिटर्मिनेशन तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो गया। कंटेंट, कंटेंट इंपॉर्टेंट है, जो आप लिखते हैं आपका कंटेंट तैयार हुआ है ना, अनकाउंटेबल है। इकोनॉमिक्स देखिए, देखने में प्लूरल लगता है पर होता अनकाउंटेबल है। और इससे आप ये भी समझ लीजिए कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के नेम अनकाउंटेबल ही माने जाएंगे, चाहे वो मैथ्स हो, सिविक्स हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, राइट, कोई भी सब्जेक्ट का नाम है तो वो अनकाउंटेबल होता है। करप्शन अनकाउंटेबल है। एजुकेशन काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों होता है। करेज है, आप अभी मेनली अनकाउंटेबल में याद रखिए। इलेक्ट्रिसिटी है, करेंसी है। करेंसी बोथ कैसे होती है, अगर आप किसी एक ही करेंसी की बात करेंगे तो अनकाउंटेबल मानेंगे, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी की बात करेंगे तो आप उसे प्लूरल मान सकते हैं, उसको काउंटेबल मान सकते हैं। एजुकेशन का भी यही है, अगर आप किसी एक किसी ओवरऑल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर आप उसके अलग अलग स्किल्स की बात कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, जैसे उसने पढ़ाई भी की, उसने टेलरिंग भी सीखी, उसने मान लीजिए कोई और भी स्किल सीखा, उस सेंस में ला रहे हैं तो एजुकेशन बोल सकते हैं, ठीक। फिर इलेक्ट्रिसिटी पता है, करेंसी हो गया। एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं होता, ठीक है। एनर्जी तो हम समझ ही रहे हैं। डैमेज, हाँ डैमेज को बहुत अच्छे से समझिए, डैमेज का मतलब होता है क्षति, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड आ गया डैमेजेस, ठीक, तो डैमेजेस मतलब होता है हर जाना। देखने में भले ही ये एक जैसा लगे पर दोनों के एकदम अलग अलग सेंसेस होते हैं, ठीक है। फिर डेंजर, डेंजर मतलब अगर हमें किसी किसी चीज के नेचर की बात करनी है कि डेंजर यानी खतरा, तो उस सेंस में ये अनकाउंटेबल होता है। लेकिन हम किसी चीज को ही डेंजर कह रहे हैं तो उस सेंस में ये काउंटेबल होता है, ठीक है। जैसे मान लिया हमने कहा कि जंगल में खतरा हो सकता है, तो हम कहेंगे देयर मे बी डेंजर इन जंगल, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं जंगल के जानवरों को ही डेंजर कह के बुलाऊं तो मैं कहूंगा देयर मे बी मेनी डेंजर्स इन जंगल, ठीक, तो इस पर डिपेंड करता है। इसी तरह से एंटरटेनमेंट है, डार्कनेस है, एंथुजियाज्म है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे वर्ड्स मैं इसलिए दिखा रहा हूं एक एक बार कम से कम आपके माइंड में रहे और आप गलती ना करने पाए, ठीक है। इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, औजार जिसे हम कहते हैं, तो इक्विपमेंट्स कभी नहीं होता, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। फूड बोथ होता है, बोथ होता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जनरली तो इसे अनकाउंटेबल ही माना जाता है, लेकिन अगर वैरायटी की बात की जाए, ठीक है, तो हम इसे काउंटेबल भी ले सकते हैं।
फिर इसी तरह से एविडेंस है, एविडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबूत जिसे कहते हैं। तो प्रूफ का प्लूरल प्रूफ्स होता है, लेकिन एविडेंस का प्लूरल नहीं होता, इसे अनकाउंटेबल ही मानते हैं। वैसे ही फ्रीडम है, फ्रेंडशिप, फेलर, फेम, फ्यूअल, फायर, फर्नीचर, फ्लोर, फन, ये सारा आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आपको अच्छे से इसको देखना भी है और अभी यहां भी देख लीजिए, ठीक है। जेनेटिक्स भले ही देखने में प्लूरल लग रहा है पर है अनकाउंटेबल। हेल्थ, गोल्ड, गोल्ड तो हम पहले ही बता चुके, जितने भी मेटल हैं सब अनकाउंटेबल है। हीट, ग्रामर, हेल्प, गिल्ट, होमवर्क, वर्क, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क जहां भी वर्क मिलेगा समझ जाइए वो अनकाउंटेबल है, चाहे होमवर्क हो, हाउस वर्क हो या सिर्फ वर्क हो, वो अनकाउंटेबल है। वर्क कुछ नहीं होता। अगर आपको काउंटेबल बनाना है तो अ पीस ऑफ वर्क कह सकते हैं या टास्क कह सकते हैं, टास्क काउंटेबल में आ जाएगा। हेयर हम पढ़ चुके हैं, ऑनेस्टी तो पता ही है, हैप्पीनेस भी पता है, हॉस्पिटल, ये सब तो आपके वो हो गए ना अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, हॉस्पिटैलिटी, है ना। हार्म, हाउस वर्क, होमवर्क अभी मैंने बताया ही है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमर अनकाउंटेबल, ये भी उसमें आ गया अब्स्ट्रैक्ट में, काइंडनेस अब्स्ट्रैक्ट में, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन भी दोनों होता है, एक जो आप इमेजिनेशन करते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में तो वहां पर वो अनकाउंटेबल होगा, और एक होता है कि आपके कई पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग विचार रहे हो तो उसमें इमेजिनेशंस भी आप कह सकते हैं। नॉलेज अनकाउंटेबल है, इंपॉर्टेंस, लेबर, इंफॉर्मेशन, लैक, इनोसेंस, लाफ्टर, है ना, ये सारे चीजें आपको, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। लेजर, लेजर मतलब क्या होता है, छुट्टी, खाली समय। जेलसी पता ही है हमें, लिटरेचर हमें पता है, जूस पता ही है, लिटर कचरा वगैरह हो गया, जस्टिस, न्याय, लॉजिक, ये सब अनकाउंटेबल है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, लव, बोथ, लव कैसे, बोथ फीलिंग की बात करेंगे तो अनकाउंटेबल माना जाएगा, किसी को कहेंगे तो काउंटेबल होगा, जैसे माय मदर एंड माय फादर आर माय लव्स, तो प्लूरल में कह सकते हैं, है ना। मिल्क है, अनकाउंटेबल। लक, मनी, मैजिक, मदरहुड, मैनेजमेंट, मोटिवेशन, मेटल, मेटल वर्ड जब किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए आएगा तो अनकाउंटेबल होगा, अलग अलग वैरायटी बताई जाएगी तो मेटल्स कह सकते हैं, ठीक। नेचर, पेपर, पेपर बोथ कैसे हो गया, अगर हम पेपर मटेरियल की बात करेंगे कागज की तो अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट के सेंस में लेंगे तो काउंटेबल है, ठीक। न्यूज, न्यूज अनकाउंटेबल है भले ही देखने में प्लूरल लगे। पेशेंस, न्यूट्रिशन, परमिशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट कर रहा था ना, न्यूज एक इंपॉर्टेंट है, इसमें पेपर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉल्यूशन, ठीक। ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा। ऑयल है, पॉवर्टी है, ओल्ड एज है। पावर, पावर बोथ कैसे हो गया, अगर आप शक्ति वाले पावर की बात करें तो वो अनकाउंटेबल है, और अगर आप शक्ति वाले पावर को ना कह करके जैसे अलग अलग किसी के ऑब्जेक्ट्स हैं जो उनके पावर को शो करते हैं तो आप इसे काउंटेबल मान लेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो गैस हो गई, प्राइड हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बोथ कैसे हो गया, अगर आप प्रोडक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो अनकाउंटेबल है, लेकिन प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो काउंटेबल हो जाएगा। रिलैक्सेशन क्या है, फीलिंग्स की बात करेंगे अनकाउंटेबल है रिलैक्सेशन, लेकिन अगर आप अलग अलग प्रोसीजर जो रिलैक्सेशन के होते हैं उसकी बात करेंगे तो बोथ हो जाएगा। प्रोग्रेस है, रिसर्च है, प्रोनंसिएशन है, रिस्पेक्ट है, पब्लिसिटी, राइस, पंक्चुएशन, रूम, रूम स्पेस के सेंस में जब आएगा तब अनकाउंटेबल होगा, कमरे के सेंस में रूम आएगा तो काउंटेबल हो जाएगा। आप कह सकते हैं आई हैव थ्री रूम्स इन माय हाउस, पर यहां पर रूम क्या है, जगह के सेंस में, ठीक। क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी दोनों बोथ में, कैसे बोथ हैं, अगर आप क्वालिटी मतलब जो एक नेचर होता है क्वालिटी किसी के अंदर की अच्छाई होती है उस सेंस में बात करेंगे तो अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, लेकिन अगर उसके एक्ट्स की बात करेंगे तो काउंटेबल हो जाएगा। क्वांटिटी का क्या है, गणना की बात करेंगे तो अनकाउंटेबल होगा, लेकिन अगर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग गणना की बात करेंगे तो काउंटेबल हो जाएगा। रबिश, रबिश तो समझ जाइए वो तो वैसे ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेफ्टी अब्स्ट्रैक्ट, रेसिज्म भी अब्स्ट्रैक्ट है। सॉल्ट पता ही है हमें, पाउडर है, सैंड पाउडर है। रेन भी हमें पता ही है, वेदर में आ गया, ठीक है। सी फूड, क्योंकि फूड वर्ड जुड़ा ही हुआ है तो अनकाउंटेबल ही है, और सी फूड स्पेशली क्या भी दिया गया। अच्छा, फूड कैसे काउंटेबल हो जाएगा, ऐसे ही वैरायटी बता दी जाएगी, मान लिया सी फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, ऐसे करके कई सारे बता दिए तो कह दिया आर फूड्स, है ना।
सूप बोथ है, कैसे बोथ है, अगर एक ही सूप है तो अनकाउंटेबल, वैरायटी है तो सूप्स भी कह सकते हैं, शॉपिंग है, स्पीड है, साइलेंस भी वैसे ही वैरायटी अगर आती है तो, ठीक है, स्पेलिंग है, स्मोक है, स्ट्रेस है, शुगर है, शुगर को अच्छे से समझ लिए, चीनी, शुगर में एक और बात बता दूं कि शुगर एक बड़ा खास वर्ड है। एक तो जो चीनी हम लोग यूज करते हैं वो आप देखते हैं दानेदार छोटी छोटी होती है, वो भी अनकाउंटेबल होती है, और एक एक चीनी आती है एकदम पाउडर में, वो भी अनकाउंटेबल होती है, लेकिन एक चीनी आती क्यूब में, बड़े बड़े क्यूब होते हैं, वो वाली जो चीनी होती है क्यूब वाली, वो क्यूब वाली चीनी, शुगरी वर्ड यूज होता है वहां ये काउंटेबल हो जाती है, वहां आप कह सकते हैं आई यूज टू शुगर्स इन माय कॉफी, तो टू क्यूब्स ऑफ शुगर आप कहना चाह रहे हैं, पर शुगर्स कह सकते हैं। फिर यही शुगर वर्ड इंटरजेक्शन भी होता है जो धत के सेंस में आता है, जैसे आपने कह दिया शुगर आई कुड नॉट राइट इट, धत मैं तो लिख ही नहीं सका, राइट, तो वो उस सेंस में भी आता है। तो शुगर की बड़ी वैरायटी है, मेनली अनकाउंटेबल है, पर क्यूब के सेंस में आ गई तो काउंटेबल भी हो जाती है। सनशाइन हम ऊपर देख चुके हैं, फिर से आ गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब टी है बोथ, तो जैसे कॉफी का मैंने बताया कि कॉफी बीन है, वैसे ही टी लीफ है अगर तो अनकाउंटेबल है, या बनी हुई कॉफी है या बनी हुई टी है तो अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर हमने ऐसे कह दिया कि आई हैड थ्री कॉफीज या थ्री टीज तो काउंटेबल मान ली जाएगी। ट्रैवल अनकाउंटेबल, टेनिस तो गेम का नाम है, अच्छा टेनिस आ गया तो यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मैंने ऊपर बताया जितने भी सब्जेक्ट्स के नेम है सबको अनकाउंटेबल माना जाएगा, वैसे ही जितने भी गेम्स के नेम है सबको अनकाउंटेबल माना जाएगा, चाहे टेनिस हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, ठीक है, या फुटबॉल हो। फुटबॉल ऑब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो काउंटेबल होगा, आई हैव अ फुटबॉल, मेरे पास एक फुटबॉल है, ही हैज थ्री फुटबॉल्स, उसके पास तीन फुटबॉल्स हैं, तो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो काउंटेबल होगा, लेकिन फुटबॉल गेम की बात करेंगे तो अनकाउंटेबल होगा, ठीक। तो गेम की बात जब भी करेंगे अनकाउंटेबल, जैसे चेस है तो देखने में भले ही प्लूरल लगे पर है अनकाउंटेबल क्योंकि गेम है। डार्ट्स हैं, डार्ट्स जानते हैं ना, ऐसे फेंक के मारा जाता है जाकर के, वो ऐसे कुछ नुकीला होता है उसमें आगे एरो टाइप का जाकर गड़ जाता है बोर्ड पर, वो डार्ट्स होते हैं, तो देखने वाले ही प्लूरल हो पर अनकाउंटेबल माना जाता है क्योंकि गेम का नाम, ठीक। ट्रस्ट तो आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया। टाइम, टाइम बोथ कैसे हो गया, अगर समय वाला टाइम है, समय वाला टाइम तो अनकाउंटेबल है, मैं लिख देता हूं इसको ध्यान दीजिएगा, समय वाला अगर टाइम है तो वो अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर बारी वाला कितने बार कोई काम हुआ ये वाला टाइम है तो वो काउंटेबल है ना। तो जैसे आपने कहा कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, तो आप कभी नहीं कहेंगे आई डोंट हैव टाइम्स, गलत हो जाएगा, लेकिन बार कितनी बार कोई काम हुआ उसके बारे में आप कह सकते हैं, जैसे आपने कह दिया ही वॉच दिस मूवी थ्री टाइम्स, उसने तीन बार ये मूवी देखा, ठीक, या वन टाइम है ना, तो वन लगा सकते हैं आप, ठीक है, तो इसको समझिए। टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस एक तो हो गया बर्दाश्त की क्षमता, एक हो गया कि किसी चीज को आप कह रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं कि ये टॉलरेंस है, ठीक है। फिर इसी तरह से तो बर्दाश्त की क्षमता में अनकाउंटेबल है, किसी चीज को कह दिया तो काउंटेबल हो गया। ट्रेड में भी वही है, ट्रेड अगर आप किसी अगर व्यापार को कह रहे हैं ट्रेड तो अनकाउंटेबल है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेड कह रहे हैं तो काउंटेबल हो जाएगा। ट्रैफिक पता ही है, ट्रांसपोर्टेशन पता है, ट्रैवल, ट्रस्ट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिए, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रैवल है, ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, एम्प्लॉयमेंट, जैसे एम्प्लॉयमेंट था वैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी है, यूसेज, यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूसेजेस नहीं होता है याद रखिएगा, यूजेस होता है, यूज का प्लूरल यूजेस हो जाता है, लेकिन यूसेज का प्लूरल यूसेजेस नहीं होता, इसे यूसेज ही कहा जाता है, ठीक है। विजन, विजन क्या है, विजन जैसे अगर आपने अपने माइंड का विजन बताया कि ये मेरा विजन है कि मुझे इतना बड़ा इंसान बनना है तो वो अनकाउंटेबल है। और एक विजन हो गया कि जैसे अलग अलग, जैसे ड्रीम्स की अगर आप बात करेंगे, अलग अलग ड्रीम्स, तो वहां विजन्स हो जाएगा, प्लूरल हो सकता है, वहां पे काउंटेबल हो जाएगा। वार्म्थ, किसी चीज, कोई भी चीज जो गर्म होती है उसके अंदर की गर्मी को वार्म्थ कहते हैं। विथ हमें पता ही है चौड़ाई, वाटर पता ही है वाइल्ड लाइफ, वेल्थ, विजडम, वेदर, वुड, वुड बोथ है जैसे कैसे है ये मैं बता चुका हूँ, वेट है, ठीक है, वर्क है, वेलफेयर है, योगा है। वेट में भी वही, अगर वजन टोटल की बात करेंगे तो वेट अनकाउंटेबल है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग वजन की बात करेंगे तो काउंटेबल हो सकता है। वर्क तो बता ही चुका हूँ अनकाउंटेबल है, वेलफेयर, योगा, वीट, यूथ, यूथ क्या है, यूथ में अगर आप
मतलब यूथ हम जवानी को भी कहते हैं, जवान लोगों को भी कहते हैं, तो अगर जवानी के सेंस में आ रहा है तो अनकाउंटेबल, जवान के सेंस में आ रहा है तो काउंटेबल, ठीक है। कुछ इररेगुलर अनकाउंटेबल नाउंस हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं लोगों को। सम नाउंस कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, जैसे रूम है, दो मीनिंग है, एक काउंटेबल है एक अनकाउंटेबल है, मैं बता चुका हूं। अगर कमरा होगा तो काउंटेबल है, जगह होगी तो अनकाउंटेबल है। तो इसकी पीडीएफ आपको भेजी जाएगी, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। हेयर का यही है, मैंने कहा था अभी मैं आगे बताऊंगा हेयर के बारे में। तो सर के सभी बालों की बात होगी तो हेयर अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर हम दो तीन बाल जिसे गिन सकते हैं उसकी बात करेंगे तो काउंटेबल है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि यहाँ पर दिया है नहीं शायद एग्जाम्पल, हाँ ये देखिए दिया तो है। अगर मैंने कह दिया देयर इज अ हेयर इन माय सूप, मेरे सूप में एक बाल है, या देयर आर टू हेयर्स इन माय सूप, तो काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गिन सकते हैं ना उस वक्त तो आप। या आपने किसी की मूछे देखी, उसके मूछे पर एक दो सफेद बाल दिख गए, तो आप कह सकते हैं देयर आर टू ग्रे हेयर्स ऑन योर मस्टाश, राइट, तो वहां काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन जब मास की बात करेंगे, पूरे सर के सभी बाल हो गए, तो अनकाउंटेबल है, ही हैज अ लॉट ऑफ हेयर, या हर हेयर इज ब्यूटीफुल, राइट। इसी तरह से बिजनेस है, बिजनेस का क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। कैसे, ही इज गोइंग टू पेरिस ऑन बिजनेस, ठीक, तो यहां पर अनकाउंटेबल है। आई टेक माई बिजनेस एल्सवेयर, मैं और कहीं ले जाऊंगा, तो वहां पर काउंटेबल हो गया, ठीक। नहीं, यहाँ पर भी अनकाउंटेबल है क्योंकि बिजनेस की बात हो रही ना। ठीक है, काउंटेबल कहाँ पर होगा, यहाँ देखते हैं। जैसे ही स्टडीज बिजनेस एट स्कूल, ये भी अनकाउंटेबल है, बिजनेस एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यहाँ काउंटेबल है, ठीक है, अ न्यू बिजनेस, टू न्यू बिजनेसेस। तो ये एक शॉर्ट नोट मैंने दे दिया था। ऐसे और भी वर्ड्स हैं जिनको आप आगे पढ़ेंगे जो कन्फ्यूज करते हैं, राइट। तो आई होप ये क्लियर है, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।